Bismillahirrahmanirrahim. I am Aniruddin from Ahmad Islamia Public High School and College, Prince Sultani. Dear student of 10th class, today we are going to study biogeochemical cycles. Biogeochemical cycles. As we know that environment is a source of materials for all living organisms. Environment is a source of material for all living organisms. And environment provides bioelements which are used by the organism. Environment provides bioelements, and these bioelements are used by the organism for their bodies and metabolism. This material present in the environment is continuously recycled between organism and environment. ये जो environment है, ये क्या करता है? इसके ये एक जरिया है material का और जानदारों के लिए. और ये जो एनवायरनमेंट है, ये बायो एलिमेंट ऑर्गेनिज्म के लिए मुहैया करता है. और ये जो बायो एलिमेंट है, ये फिर जानदार अपने जिस्म और अपनी ग्रोथ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. और ये मटेरियल जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, ये मुसलसल रीसाइकल होता रहता है. कैसे, कहाँ रीसाइकल होता है? बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, यानी जानदार और एनवायरनमेंट के दरमियान ये जो मटेरियल है, ये रीसाइकल होता रहता है. अब हम ये जो बायोकेमिकल साइकल्स है, इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि ये क्या है. बायोकेमिकल साइकिल की तारीफ क्या है? हाउ इट कैन बी डिफाइंड? बायोकेमिकल साइकिल्स इज ए पाथवे थ्रू विच मटेरियल मूव्स, फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म एंड from organism to the environment. Biogeochemical cycle is defined as the movement of material present in the environment, from the environment to the organism, and from organism back to the environment. This is called biogeochemical cycle. बायोजोकेमिकल साइकिल की तारीफ क्या है कि ये जो बायोजोकेमिकल साइकिल्स है, ये एक ऐसा रास्ता है, पाथवे होता है, जिसमें मटेरियल एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में जाता है और फिर ऑर्गेनिज्म से वापस एनवायरनमेंट में चला जाता है. ये इसकी तारीफ है, बायोजोकेमिकल साइकिल. अब हम देखते हैं कि ये बायोजोकेमिकल साइकिल जो है, इसकी टाइप्स कितनी है, ये कितनी किस्म का होता है. तो हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ
बायो जो केमिकल साइकिल, बायो जो केमिकल साइकिल की टाइप्स कितनी हैं, तो ये दो यहाँ आपके इस किताब में जो है नंबर एक पहली जो किस्म है वो है कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल, और नंबर दो जो है वो है नाइट्रोजन साइकिल। एक है कार्बन साइकिल और दूसरा है नाइट्रोजन साइकिल। अब कार्बन साइकिल जो है, यानी साइकिल कहते हैं चक्कर को, एक चक्कर, पूरा चक्कर क्या होता है, मसलन कोई चीज़ एक जगह से चलती है, ये एक है, ये यहाँ से चल के वापस जब वो यहाँ आता है तो ये इसका एक चक्कर पूरा होता है, एक चक्कर, ये साइकिल हो गई, एक साइकिल। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ से चलता है वापस इस चक्कर पे आएगा तो ये कार्बन साइकिल हो जाएगा। अब कार्बन जो है ये कहाँ से चलती है, कहाँ जाती है, फिर वहाँ पहुँच के वापस अपनी जगह पे कैसे आती है, ये है कार्बन साइकिल। समझ आई कार्बन साइकिल क्या है, कि कार्बन मिसाल के कहाँ है, कहाँ से कार्बन जो है वो स्टार्ट होती है, चलती है, कैसे जाती है, किस चीज़ के अंदर जाती है, फिर उससे निकल के वापस उस जगह पे कैसे। तो कार्बन जो है ये एटमॉस्फेयर में है, एनवायरनमेंट में भी कार्बन होती है। कैसे होती है कार्बन, कार्बन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, CO2, एंड कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द वाटर। अब पानी में कैसे है, हाउ इट इज प्रेजेंट इन द वाटर, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन अकेले नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड की शक्ल में है, एटमॉस्फेयर में भी, एनवायरनमेंट में और पानी में। अब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है, कार्बन साइकिल के लिए हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो किधर है, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट भी आप कह सकते हैं। कैसे है, CO2, वाटर, वाटर में कैसे होती है, एसिडिटी, CO2 होती है, अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोड्यूसर। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर इज यूज्ड बाय द प्लांट, प्लांट इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और यहाँ से फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाती है फूड में, ये कार्बन प्लांट के अंदर आ गए, फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट एंड इट इज ड्यू इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इन द फूड। अब जो प्लांट है ये फूड बन जाती है इससे। अब उसके बाद ये फूड प्लांट के अंदर है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज की शक्ल में। अब ये प्लांट जब हर्बीवोर इस्तेमाल करते हैं, हर्बीवोर्स यूज करते हैं, तो ये यहाँ से कार्बन हर्बीवोर्स के जिस्म में आ जाते हैं, ये खुराक ग्लूकोज यहाँ आ जाएगा। हर्बीवोर्स जो है
टर्शियरी वॉक्स में चले जाते हैं, आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होती है, ये एनवायरनमेंट के अंदर है, ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस कार्बन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फूड बन जाती है और ये यहाँ स्टोर हो जाती है। अब ये जो प्रोड्यूसर है, प्लांट्स है, दीज आर ईटन बाय द हर्बीवोर्स, सो दिस ग्लूकोज कम इन द बॉडी ऑफ द हर्बीवोर्स एंड दीज आर ईटन बाय द कार्निवोर्स एंड टर्शियरीवोर्स, सो दिस कार्बन फ्लो फ्रॉम प्लांट टू द टर्शियरीवोर्स। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि कार्बन एटमॉस्फेयर से निकल के टर्शियरी वोर्स तक पहुँच गई। अब क्या होता है कि ये जो जानदार हैं, ये इनमें क्या होता है, कौन सा अमल होता है, ये सारे जानदार में रिस्पायरेशन का अमल होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम बैक टू द CO2 एंड CO2, दिस कम बैक टू द एटमोसफियर। यह कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमोसफियर में आते हैं। कहां से हम चले हैं, एटमोसफियर से। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, ये यहाँ से प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं, पौधों में कवर होता है फोटोसिंथेसिस का, इस अमल के जरिए प्लांट जो है इसको फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड जो है C6H12O6 है, ग्लूकोज है। ये प्लांट जब खा जाते हैं हर्बीवोर्स तो ये ग्लूकोज इनके जिस्म में आ जाता है, इनको कार्बीवोर्स इस्तेमाल करते हैं, कार्बीवोर्स को टर्शियरीवोर्स। अब ये सारे जो है इनके अंदर जब रिस्पायरेशन का अमल होता है, रिस्पायरेशन का अमल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है। एक तो ये हो गया। अब हम आते हैं वाटर की तरफ, पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, वाटर में क्या होता है। अब वाटर के अंदर जो पौधे हैं जिनको हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, आबी पौधे, एक्वेटिक प्लांट प्रेजेंट इन द वाटर, वाटर में जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस्तेमाल करते हैं प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, वाटर प्लांट, एक्वेटिक प्लांट देख लें, एक्वेटिक प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, CO2 इज यूज बाय द एक्वेटिक प्लांट एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू फूड ग्लूकोज, और इसके अंदर जो है दीज आर ईटन बाय द फिशेस, मछलियां जो उनके पानी में है वो इसको इस्तेमाल करती हैं, और दूसरे आगे जो जानदार हैं अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ये प्लांट्स हैं इनसे, और फिर ये जब इनमें रिस्पायरेशन का अमल होता है, रिस्पायरेशन का अमल होता है, तो ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में वापस आता है, ये पानी में वापस आता है। तो पानी में जो है वो इधर इस तरह इस्तेमाल होती है, पानी के अंदर जो होती है यूज होती है, कार्बन कन्वर्ट होती है, फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में वापस आता है। अब इसके बाद ये जितने जानदार हैं, ये जब मर जाते हैं, ये हर्बीवोर्स और ये फिशेस जो मर जाते हैं, दैट पार्टी ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिज्म
डेड बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डीकम्पोजिशन होती है इनकी, और डीकम्पोजिशन के बाद ये जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टेकन प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन बाय द डीकम्पोजर विच आर बर्निंग द फंगाई. So this is converted into fuel during the process of decomposition. The body of organism is converted into fuel, and when this fuel burns, the fuel jalta hai. When this fuel is burned, then CO2 is released. कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये जो है ये एटमॉस्फेयर में चली जाती, ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती. तो ये कार्बन का साइकिल, इस तरह कार्बन जो है वो चलती है. कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय द प्लांट प्रोड्यूसर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. These plants are eaten by the herbivores, then herbivores are eaten by the carnivores, and then carnivores are eaten by the tertiary. So this glucose reaches in the body of all these organisms, and when the process of respiration takes place in all these organisms, then carbon dioxide is released during the process of respiration, come back to the environment or atmosphere. So the plant in the water, which are called aquatic plant, they use carbon dioxide present in the water for the process of photosynthesis, and these are eaten by the aquatic organisms such as fishes and other aquatic organisms. And when these organisms respire, then carbon dioxide is released back into the water. So when all these organisms are dying, then their bodies are decomposing, and during the process of decomposition, these are converted into the fuel. And this fuel, when burned in the industry or anywhere else, then this comes out in the form of carbon dioxide, and this carbon dioxide go back to the atmosphere or environment. So this is all about the carbon cycle. And second, dusra jo bio jo chemical cycle hai wo maine aapko bataya hai ki wo nitrogen hai, nitrogen cycle. Ab nitrogen ke bare mein samajh le, nitrogen जो एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रोजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है, और वो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म जो है उसको इस्तेमाल नहीं करते. दैट इज नॉट डायरेक्टली यूज बाय द ऑर्गेनिज्म. नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ गैस इज नॉट डायरेक्टली यूज बाय द ऑर्गेनिज्म. अब ये कैसे होती है कि नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनी बायो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. नाइट्रोजन जो है ये क्या है, नाइट्रोजन is an important component of many biomolecules. Biomolecules वो है जो जानदारों के जिस्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका अहम जुज़ है. मिसाल के तौर पे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आते हैं.
और एटमॉस्फेयर जो है ये नाइट्रोजन का एक रिजर्वायर है, गैसियस नाइट्रोजन का रिजर्वायर है इसमें होती है। और ये जो गैसियस नाइट्रोजन है जो कि एटमॉस्फेयर में होती है, गैसियस नाइट्रोजन कैन नॉट पिक अप डायरेक्टली बाय द ऑर्गेनिज्म। गैसियस नाइट्रोजन कैन नॉट पिक अप बाय द ऑर्गेनिज्म। एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। अब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का साइकिल भी एटमॉस्फेयर से चल रहा है और इस्तेमाल होने के बाद इसे वापस एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में वापस लौटना है। तो अब जो नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में, वो ग्लाइकोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे इस्तेमाल करते हैं? अब ये नाइट्रोजन, गैसियस नाइट्रोजन को पहले हमें तब्दील करना पड़ेगा। ये तब्दील होती है किस में? नाइट्रेट में। ये गैसियस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द प्लांट। पौधे इसको, गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करते हैं। नाइट्रेट की शक्ल में ये होती है, फिर ये इस्तेमाल होती है। अब ये नाइट्रोजन का साइकिल जो है, इसके ये तरीके हैं। आपने समझ लिया कि नाइट्रोजन साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कैसे होती है? गैसियस स्टेट में होती है। और ये नाइट्रोजन जो गैसियस स्टेट में है, ये बराह रास्त ये इस्तेमाल नहीं कर सकते पौधे, बल्कि क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट में तब्दील करेंगे, फिर इसको पौधे इसको इस्तेमाल करेंगे। पौधे नाइट्रेट को इस्तेमाल करेंगे, पौधे के जिस्म में आएंगे और फिर यहाँ से निकल के वापस एटमॉस्फेयर में जाए। अब ये तरीका जो है नाइट्रोजन साइकिल का, इसके मुख्तलिफ रास्ते हैं, तरीके हैं। पहला जो है, नंबर वन इज, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला रास्ता, पहला तरीका नाइट्रेट बनाने का जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन। हम क्या करेंगे? कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। अब ये जो नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में, ये कैसे होती है? इसके कितने तरीके हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तीन तरीके हैं जी। नंबर एक, पहला तरीका
first method in which nitrogen, gaseous nitrogen, is converted into nitrate is atmospheric nitrogen fixation. Atmospheric nitrogen fixation. Atmosphere में जो nitrogen है उसकी fixation. Atmospheric, अब ये कैसे होता है? अब जब बिजली की कड़क और चमक होती है, कड़क और चमक, थंडर स्टार एंड लाइटनिंग कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन टू द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. Gaseous nitrogen is converted into oxide of nitrogen. तो ये किस चीज में तब्दील होती है? Oxide of nitrogen. Thunder, star and lightning से nitrogen present in the atmosphere is converted into oxide of nitrogen. अब ये oxide of nitrogen है, ये पानी के साथ मिलते हैं, plus H2O oxide of nitrogen पानी के साथ मिलके पहले क्या बनाते हैं? Nitric acid. नाइट्रस एसिड और इसके बाद नाइट्रस एसिड के बाद फिर एच एंड ओ थ्री बन, नाइट्रिक एसिड क्या बन जाता है? नाइट्रिक एसिड. अब इसके बाद ये जो नाइट्रिक एसिड है ये किसके साथ मिलता है? The acid in turn combined with other salt. ये nitric acid जो है ये salt के साथ मिलता है. Combined with the salt, salt के साथ मिलके क्या बनाता है? This nitric acid combined with the salt and form nitrates form nitrate. अब नाइट्रेट बन गए. तो ये है गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट. ये बात समझ आई? ये जो नाइट्रोजन है ये चूंकि एटमॉस्फेयर में है गैस की हालत में, अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया. चूंकि ये एटमॉस्फेयर में से ली गई है इसलिए इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. Conversion of gaseous nitrogen into nitrate present in the atmosphere is called atmospheric nitrogen fixation. अब जो दूसरी किस्म है, दूसरी किस्म जो है वो है biological फिक्सेशन. बायोलॉजिकल फिक्सेशन क्या है? इसमें नाइट्रोजन को कैसे नाइट्रेट में तब्दील किया जाता है बायोलॉजिकल? अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं.
there are some bacteria which convert gaseous nitrogen into nitrate. So this is called biological fixation. बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है, गैसियस नाइट्रोजन, उसको बैक्टीरिया के ज़रिए नाइट्रेट में तब्दील किया जाता है. समझ आ गई बात? यानी सम बैक्टीरिया आल्सो हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट. इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. सम ऑफ दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लिव्स एज सिम्बियंट्स एंड मैनी आर फ्री लिविंग. एक ये तरीका होगा, इसमें ये जो कन्वर्शन है ये कैसे होगी बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? नाइट्रेट. अब तीसरा जो है वो है इंडस्ट्रियल. इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब इंडस्ट्री में जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कैसे तब्दील किया जाता है इंडस्ट्री में? संतों, जो गैसियस नाइट्रोजन संतों में नाइट्रेट में तब्दील होती है उसको हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. हाउ दिस गैसियस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट इन द इंडस्ट्री. अब क्या होता है कि इंडस्ट्री में जो नाइट्रोजन गैस है उसको हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है, N2+H2 एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिला के क्या बनाया जाता है? NH3 अमोनिया गैस बनती है. Hydrogen is combined with atmospheric nitrogen under high pressure and temperature. It produces ammonia gas, which is further converted. ये जो ammonia है ये convert होती है converted into ammonium nitrate. ये नाइट्रेट में तब्दील हो जाती है, अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है. तो अब आपने देखा इंडस्ट्री में अमोनिया को कैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है. इंडस्ट्री में क्या किया जाता है कि अमोनिया गैस जो है उसको हाइड्रोजन के साथ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में मिलाया जाता है, अमोनिया गैस बनाई जाती है. ये अमोनिया गैस जो है इसको फिर आगे फर्दर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट. तो ये डिफरेंट मेथड है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट के, नाइट्रेट के बनने के मुख्तलिफ तरीके हैं. समझ आ गई कैसे नाइट्रेट बने? अब यहाँ तक तो आपने देखा. अब एक और जो दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन का होना, ये आपको समझ आ गई बात कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है गैसियस नाइट्रोजन दैट कैनॉट बी पिक अप बाय द हाइड्रोजन डायरेक्टली. सो दिस इज डन बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन की तारीफ क्या? कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट. यानी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में तब्दील. अब कैसे इस नाइट्रोजन को हम नाइट्रेट में तब्दील करेंगे? ये पहला जो मेथड है वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन जो है इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में है ये थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग से ये नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के ऑक्साइड में तब्दील हो जाती है और ये ऑक्साइड और नाइट्रोजन जब पानी के साथ मिलते हैं तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं और ये नाइट्रिक एसिड जो है NO3 ये फिर आगे कंबाइन होता है डिफरेंट साल्ट के साथ और साल्ट के ऑक्साइड मिल के नाइट्रेट होता है। ये हो गया एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब दूसरे नंबर पे आता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो है ये बैक्टीरिया की मदद से होती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं नाइट्रेट में तब्दील करते हैं। आगे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन, इंडस्ट्री में कैसे हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं तो ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइन मिलाया जाता है हाइड्रोजन के साथ बहुत बुलंद प्रेशर और टेम्परेचर पर अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस को तब्दील किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट। अब एक और मेथड है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। ये दो प्रोसेस क्या है इनको पढ़ लेते हैं अमोनिफिकेशन और दूसरा क्या है नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन ये दो प्रोसेस क्या है इनमें क्या होता है अमोनिफिकेशन में क्या होता है नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है। अमोनिफिकेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अमोनिफिकेशन में क्या होता है प्रोटीन जो है प्रोटीन इनको ब्रेक डाउन किया जाता है ब्रेक डाउन प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है जो डेड ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अमोनिफिकेशन में क्या होता है प्रोटीन प्रेजेंट इन द डेड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ब्रोकन डाउन एंड नाइट्रोजनस फिक्स। ये तो प्रोटीन है और दूसरी चीज जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट नाइट्रोजन वेस्ट कौन से है यूरिया और यूरिक एसिड। यूरिया एंड यूरिक एसिड ये नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं। तो ये जो प्रोटीन जो है इनको ब्रेक डाउन किया जाता है डेड बॉडी के अंदर और नाइट्रोजन वेस्ट को जो है ये दोनों को तोड़ा जाता है और क्या चीज बनाई जाती है टू फॉर अमोनिया। अमोनिया बनता है क्या बनाया जाता है अमोनिया। अब जो अमोनिया बनी है is carried out by ammonifying bacteria। ये जो अमोनिया फॉर्मेशन है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया की मदद से होता है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये है जी अमोनिफिकेशन द प्रोसेस इन विच प्रोटीन एंड नाइट्रोजन वेस्ट आर कन्वर्टेड आर ब्रोकन डाउन इनटू अमोनिया एंड दिस अमोनिया
फॉर्मेशन प्रोसेस कैरी कर पाए अमोनीफाई बैक्टीरिया। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया जब बन जाती है, अमोनिया बन गया है, इसके बाद दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। Converted into nitrate. After formation of ammonia, it is converted into nitrites and then nitrate. Nitrites and nitrate. Ammonia is converted into nitrite and nitrate. It is called nitrification. Nitrates, nitrites and nitrate. Conversion of ammonia into nitrites and nitrate is called nitrification. Nitrification. Ye nitrification. Conversion of ammonia into nitrites and nitrate is called nitrification. अमोनिया की नाइट्राइट और नाइट्रेट में तब्दीली को चेंज को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्रिफिकेशन जो है ये एक बैक्टीरिया है उसको कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कैरिंग आउट बाय ए बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो है उसके जरिए होता है। अब ये नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो है ये दो किस्म के हैं बैक्टीरिया। पहला जो है वो जो नाइट्राइट्स बनाता है बैक्टीरिया, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया विच फॉर्म नाइट्राइट्स, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया फॉर्म नाइट्राइट इज कॉल्ड फॉर्म नाइट्राइट। इसको हम नाइट्राइट जो बनाते हैं उस फॉर्म नाइट्राइट इज कॉल्ड इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास ये बैक्टीरिया का नाम है जो नाइट्राइट बनाते हैं, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया फॉर नाइट्राइट। अब दूसरा जो नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया फॉर नाइट्रेट फॉर एनओसी इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। इसका नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, इसको नाइट्रोबैक्टर। तो ये दो किस्म के बैक्टीरिया हैं, एक है नाइट्रोसोमोनास जो नाइट्राइट बनाता है और एक है नाइट्रोबैक्टर जो नाइट्रेट बनाता है। तो ये है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन है नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में जो प्रोटीन और नाइट्रोजनस फेस होते हैं डेड बॉडी वो ब्रेक डाउन होते हैं और नाइट्रोजनस फेस में यूरिया यूरिक एसिड होते हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं किसमें, अमोनिया में। और अमोनिया जो है ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के जरिए होता है।
होता है। दिस अमोनिया अगेन कन्वर्टेड इन टू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। दिस नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। एंड दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन इज डन by nitrifying bacteria, nitrifying bacteria, nitrifying bacteria form nitrate that is called nitrosomonas, and the nitrifying bacteria which form nitrate that is called nitrobacter. This is all about our today lecture.